इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी के ट्रेजर का। मूवी के लीड रोल में आपको नजर आने वाले हैं रणदीप हुड्डा, जो कि वीर सावरकर के कैरेक्टर को बखूबी निभाने वाले हैं। इस ट्रेजर में आपको सिनेमेटिक क्वालिटी, सिनेमेटिक ग्राफी, डायलॉग भारी है, फुल फील देते हैं। मूवी में आपको वीर सावरकर जी के बारे में बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो उनके बारे में आपकी सोच बदल देगा। पूरी मूवी में आपको रणदीप हुड्डा वीर सावरकर जी के कैरेक्टर को बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे और साफ पता चलता है कि रणदीप हुड्डा ने जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो बहुत ही अलग है। वकालत से लेकर काला पानी की सजा तक वीर सावरकर जी ने जो कष्ट सहे वो रणदीप हुड्डा ने बखूबी निभाए हैं और उनको वैसा का वैसा दिखाया गया है, जिससे आपको उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का आराम से पता चल सकता है। इस ट्रेजर ने वीर सावरकर जी की सोच को पूरी तरह जस्टिफाई किया है, जिसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों ने प्रेरणा ली है। भारत में 1905 में वीर सावरकर जी ने विदेशी कपड़ों को आग लगाई थी। वीर सावरकर जी पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी किताबें दो देशों में बैन कर दी थी। वे पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें जीवन में दो बार आजीवन कारावास मिले। अंडमान की उस जेल में वीर सावरकर जी ने कोयलों के टुकड़ों से आजादी की कविताएं लिखी। वहां की जेलों में वीर सावरकर जी को बेल की तरह बांधकर दिन भर काम करवाया जाता था। वीर सावरकर जी के कई ऐसे चैप्टर है जिनकी झलक इस ट्रेजर में आपको देखने को मिलेगी। ये ट्रेजर बताता है कि कम से कम मेकर्स ने तो वीर सावरकर जी को समझा है, और इस ट्रेजर में ऐसे ऐसे डायलॉग है जो इस मूवी को हिट ही नहीं सुपरहिट ब्लॉकबस्टर बनाएंगे। ऑल ओवर कहा जाए तो ये मूवी एक सुपर डुपर हिट मूवी होने वाली है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर दें।